प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। वैसे तो आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य की विशेष स्तुति है और इसका पाठ हम सबको करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका पाठ करना ज्यादा जरूरी है। अगर सरकार की तरफ से, राज्य पक्ष की तरफ से कोई पीड़ा है, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा है, सरकारी नौकरी का कोई मुकदमा चल रहा है, कोई आपके ऊपर सरकार की तरफ से इनकम टैक्स का या टैक्स का कोई मुकदमा चल रहा है, राज्य की तरफ से कोई पीड़ा है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लगातार आपको रोग परेशान कर रहे हों, कभी छोटे रोग कभी बड़े रोग आपको लगातार परेशान करते हों, खास तौर से हड्डियों के रोग आपके समाप्त नहीं होते हों या आँखों के रोग आपको लगातार परेशान करते हों, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। अगर पिता के साथ आपके संबंध अच्छे ना हों या आपके पिता को जीवन में कष्ट हो, तो अपने पिता के लिए, पिता के नाम से आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी आंखों में गंभीर रूप से कोई समस्या हो गई हो, आंखों की समस्या ठीक ना हो पा रही हो, तमाम प्रयास करने के बावजूद, तो भी आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जीवन में कोई भी बड़ा काम हो, मुकदमा हो, नौकरी हो, करियर हो, युद्ध हो, कुश्ती हो, कोई भी बड़ा काम हो, अगर आप किसी बड़े काम में सफलता चाहते हैं, विजय चाहते हैं, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं। किसी भी काम में विजय दिलाने के लिए इसका पाठ किया जाता है। जो लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की नौकरी चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से उन्हें लाभ अवश्य। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देखिए, वैसे तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकता है सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए और जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन किन राशि वालों के लिए इसका पाठ करना जरूरी है? मेष राशि वालों को शिक्षा के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य के लिए और धनु राशि वालों को भाग्य के लिए इसका पाठ जरूर करना चाहिए, वृषभ राशि वालों को संपत्ति के लिए, कन्या राशि वालों को नौकरी के लिए और मकर राशि वालों को लंबी आयु के लिए, आयु की रक्षा के लिए इसका पाठ करना चाहिए, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को उच्च पद प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उन्हें इससे लाभ होगा। जिनकी कुंडली में सूर्य दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, सातवें, आठवें या बारहवें भाव में बैठा हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां या बारहवां, इन भाव में अगर सूर्य बैठा हो, तो जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ा देता है या व्यक्ति को सफलता पाने में समय लगता है, तो ऐसे लोगों को भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ताकि जीवन का जो स्ट्रगल है, जीवन का जो संघर्ष है, वो थोड़ा कम हो सके। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।